उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये संख्या अब 2931 तक पहुंच गई है। वायरस से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की मार से सबसे ज्यादा आगरा बेहाल है। यहां बुधवार को कोरोना वायरस के 13 नए केस मिले हैं। आगरा में अब तक 650 संक्रमित लोग मिल चुके हैं। हालांकि इस बीच राहत देने वाली बात यह है कि राज्य में अब तक कुल 987 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ये कुल मरीजों का 34.2% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 7.2% ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल मरीजों में से 27% स्वस्थ हुए हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 1159 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 11 सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें लखनऊ के 6, वाराणसी के 4 और एक औरैया का कोरोना संक्रमित शामिल है। इसी बीच ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में सुखद तस्वीरें सामने आई है। शारदा हॉस्पिटल से कोरोना के 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस कोरोना से जंग जीतने वालों का किस शानदार अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। इनमें एक मासूम भी शामिल है। अस्पताल से छुट्टी देने से पहले इनका बाकायदा चेकअप भी किया गया। शारदा हॉस्पिटल में अभी भी 49 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में 13 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 7 ग्रेटर नोएडा तो 6 नोएडा से मिले हैं। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 192 हो चुकी है। साथ ही 109 मरीज अभी तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 83 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में 6 स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना संक्रमण की खबर मिलते ही सोमवार को पैरामेडिकल स्टाफ धरने पर बैठ गया। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोरोना रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी। इसके लिए 300 से अधिक स्टाफ ने धरना दिया। स्टाफ, नर्स और वार्ड बॉयों ने भी ये आरोप लगाया है कि उन्हें किट और अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बता दें कि जिम्स हॉस्पिटल में भी कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है। बहराइच से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिला रेड जोन की ओर बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। दोनों मरीज अलग अलग प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती थे। इसकी पुष्टि CMO सुरेश सिंह ने की है। वहीं पड़ोसी जिले श्रावस्ती में कोरोना का 1 मरीज मिला है। जनपद में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। श्रावस्ती में 1 व्यक्ति की कोरोना से जान भी जा चुकी है। मैं डॉक्टर रीना केडिया हूँ, पेशेंट नर्मदा श्रीवास्तव 1 तारीख को मुझे दिखाने आई थी, लेकिन तब तक मैं, चूंकि मेरे OPD का समय खत्म हो चुका था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप से रिपोर्ट भेजी। उसकी व्हाट्सएप की रिपोर्ट मैंने अल्ट्रासाउंड से देखी और 4 तारीख के बाद हम लोगों ने उसका सीजर करने का प्लान किया था, क्योंकि उसकी बच्चे की काफी कंडीशन खराब थी। इसलिए उसको ये कहा गया कि आप पहले कोरोना टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि बिना कोरोना टेस्ट के हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसके बाद वो अपने घर चली गई और पैटकाइन वाले ने उसके घर जाकर ही उसका कोरोना का टेस्ट किया 2 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है। तो रिपोर्ट की पैटकाइन वाले ने ही मुझे फोन करके बताया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उससे हमारा कोई, मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। अभी CMO साहब भी जाँच करने आए थे, तो उन्होंने देखा कि हम सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ PPE किट और N95 मास्क पहने हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हॉस्पिटल में ही सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे, हमको कहीं ले जाया नहीं जाएगा। हॉस्पिटल अभी आप बंद रखिए जब तक कि पूरी जांचें नहीं हो जाती, यही क्वारंटाइन करेंगे। एक राहत भरी खबर रामपुर से भी आई है। जनपद में पहली बार कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। 18 पॉजिटिव मामलों में से 7 लोगों की दोबारा जांच की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब ये लोग जल्द ही डिस्चार्ज किए जाएंगे। साथ ही पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया है। हमारे संवाददाता ने इस बारे में रामपुर के जिलाधिकारी से बात की। देखिए इस बारे में क्या कहते हैं रामपुर के DM आंजनेय कुमार सिंह। जनपद रामपुर की जो अभी अद्यतन स्थिति है, उसके अनुसार हमारे 11 रोगी अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। शेष हमारे 13 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनमें से कुछ को एहतियातन अभी रखा गया है, पर उनको डिस्चार्ज की कैटेगरी में हम डाल चुके हैं। टोटल 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 11 लोग अभी भी पॉजिटिव हैं। इन 11 लोगों में 7 लोगों की फर्स्ट रिपीट सैंपल निगेटिव आ चुकी है और दूसरी सैंपल उनकी भेजी जा चुकी है। शेष जो 4 लोग हैं उनकी भी सैंपल भेजी गई है और अगर आगे उसमें जैसी होती है वैसे प्रगति होगी। और पिछले कई दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। इसके साथ ही जो हॉटस्पॉट जोन है उसमें शासन के निर्देशानुसार करीब करीब 3 हमारे हॉटस्पॉट ऐसे हैं जिनमें जो निर्धारित अवधि है वो पूरी हो रही है और उन अवधि को के पूरी होने के बाद हम उस पर हॉटस्पॉट उठा लेंगे। हमारे यहाँ रामपुर में टांडा मेन हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोगी वहीं से आए हैं और अभी भी
जो रिसेंट आए हैं रोगी वो वहीं से संक्रमण के रोगी आए हैं। रामपुर में कोई भी सिम्टोमेटिक रोगी अभी तक नहीं है और सभी लोगों के लिए एक ही सेंटर L1 सेंटर बनाया गया है, वहीं पे उनको रखा गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।